नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथमे हेडलाइंस रेलमंत्री भाव दायित्व ग्रहण कले अश्विनी वैष्णव कहले रेल मंत्रालय को नहीं मोदी रही बड़ अभिशन सेपटे सूचना और प्रसारण मंत्री भाव अनुराग ठाकुर को दायित्व ग्रहण आज सुप्रीमकोर्टे परी हत्याकांड मामलार शुणी सीबीआई तदंत दावी करी पिटिशन दायर करते परी मां सौदामिनी मामलार शुणी करी पूर्व कोर्ट सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस करी मागी जवाब राज्य में आज 57 जन करोन गला जीवन खोर्धार सर्वाधिक 10-24 घंटे 2542 नुआ आक्रांत चिन्हट कटकु 428 नुआ पॉजिटिव सेपटे देश में दिनक आउ 45,892 नुआ पॉजिटिव राज्य में कोरोना तृतीय लहर चिंता तीनोटी दिग उपरे गुरुत्व दिया कहले स्वास्थ्य निर्देशक शिशु आक्रांत होवार आशंका थिबारु चली ट्रेनिंग सेपटे कोरोना मृत्यु संपर्क में कहले लुचा जाऊनी तथ्य रास्तापाई रास्ता अवरोध गाँ रास्ता बिवाद को नहीं जातीय राजपथ अवरोध कले नयागढ़ 17 खंड मौजा लोके बारंबार रास्ता निर्माण पर दावी सत्वे प्रशासन शुणुन तातिले अधिवासी रास्ता अवरोध जो यातायात ठप व्हाट्सएप सबमिट हेब युक्त दुई शेष वर्ष प्रोजेक्ट पेपर इंडियन म्यूजिक डांस ड्रामा विभाग सुविधा निज निजर ऑडियो और वीडियो क्लिप अध्यापकों को पठाइबे छात्र छात्री शेषे आज महाप्रभु बनक लगे नीति श्रीजीवर श्रीमुख श्रृंगार करे दत्त महापात्र सेवक आसंता नवजौवन दर्शन सह नेत्रोत्सव रथजात्रे संपुक्त समस्त आज कोविड एथर संपूर्ण खबर नुआ रेलमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करिसेंती अश्विनी वैष्णव दायित्व ग्रहण पर अश्विनी वैष्णव बड़ दायित्व दिया जाइथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जणाइछेंती रेल मंत्रालय को नहीं मोदी बड़ विजन कहिथिबा से रेलबाई दृष्टिकोण हेउछि लोकों जीवन परिवर्तन आणिबा साधारण लोक कृषक गरीब जेपरी रेलबाई लाभ पाइबे से ही दिगरे काम करिबे बोली कहिसेंती अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद थिबा अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दायित्व दिया जाइछि सेपरी सूचना और प्रसारण मंत्री भाव अनुराग ठाकुर को दायित्व ग्रहण करिसेंती अनुराग ठाकुर कहिसेंती भारत को आग को नेबा पई मोदी गत 7 वर्ष रे अनेक कार्य करिसेंती तांको दिया जाइथिबा दायित्व पूर्ण करबा को चेष्टा करिबे बोली अनुराग ठाकुर कहिसेंती प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ एक आम आदमी एक गरीब एक वंचित एक किसान पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले ऐसा उनका बड़ा विजन है तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा मोदी मंत्रिमंडल में 15 जन नेता केन्द्र कैबिनेट मंत्री भाव शपथ ग्रहण करसह अन्य 28 जन राष्ट्रमंत्री भाव
शपथ नहीं आबे मंत्री मध्य विभाग बंटन होशार तीन जन सांसद मंत्रिमंडल में स्थान पाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कैबिनेट पाया बजाय रखिंट धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दक्षता विकास दायित्व मिली देश में नूतन शिक्षा नीति लागू करा शिक्षा क्षेत्र में नूतन विप्लव आणवी आशा करेर शिक्षा क्षेत्र में ढांचार विकास एवं कोविड महामारी परी संकट स्थित में गुरुतर भाव प्रभावित होता शिक्षा क्षेत्र को सजाड़ापी केन्द्र सरकार धर्मेन्द्रों पर भरोसा प्रकट कर एक दक्ष मंत्री भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धर्मेन्द्र प्रधान गुरु दायित्व देते से प्रथम थर राज्यसभा सांसद होता अश्विनी वैष्णव को रेल विभाग पर गुरु दायित्व मिले यासह सूचना और जोगाजोग मंत्रालय दिखाई प्रथम थर ओडा को रेल विभाग आईपरि मयूरभंज सांसद विशेष टुडु आदिवासी व्यापार जलशक्ति राष्ट्रमंत्री दायित्व मिले कैबिनेट विस्तार सह गृहमंत्री अमित शाह को नुआ दायित्व आरंभ है मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन रो नुआ मंत्रालय नुआ मंत्रालय प्रथम विभागीय मंत्री होती गृहमंत्री अमित शाह अतिरिक्त दायित्व दिखाई सरकार समृद्धि ये स्वप्न को साकार करने मोदी सरकार यह मंत्रालय गठन करते नुआ मंत्रालय देश में सहभागिता मजबूत करने प्रशासन कानून और नीतिगत ढांचा उपरे काम कर तृणमूल स्तर में सहभागिता पहुंचाई नुआ मंत्रालय मूल लक्ष्य रोदी सरकार दूरदर्शी निष्पत्ति कृषि और ग्रामांचल समृद्धि हो पार गृहमंत्री अमित शाह आवास घोटाला को नहीं बीजेपी रणहुंकार प्रधानमंत्री आवास योजन प्राय 1000 कोटी टंकार दुर्नीति होता नहीं अभियोग बीजेपी आउ विरोध कर राज्यव्यापी ब्लॉक ऑफिस सम्मुखें प्रतिवाद कर दल भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्षर् भुवनेश्वर ब्लॉक ऑफिस आगे जोरदार प्रतिवाद कर दलय भितर पक्काघर बंटन सह अयोग्य हिताधिकारी घर दि जाग कर दल तेज संपर्क में अधिक सूचना सहित सीधासख जोड़ी होती भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त चित्र कौन आसूँ आज भुवनेश्वर ब्लॉक ऑफिस रे बीजेपी घेराव कर दावी कौन खासकर जब देखा तीन दिन धरी बीजेपी ए रणहुंकार निश्चित भाव में चिन्मय आप जो कथा कहले आज दाबी से समान रही प्रधानमंत्री आवास योजन प्रकृत हिताधिकारी अर्थात जो मैंने योग्य हिताधिकारी से घर दि जाऊँ अजोग्य मानक जो दि जाए बीजेपी विरोध कर दृश्य देखिपे वर्तमान भुवनेश्वर ब्लॉक ऑफिस निकट में वर्तमान बीजेपी पक्षर धारणा दि जाएँ प्रतवाद कर गत काली दृश्य देखिथिले अर्थात 7-8-9 जुलाई 7-8-9 तीन दिन धरी बीजेपी व्यापक आंदोलन रही गत काली किसी जिलार आंदोलन होता आज भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्षर आंदोलन डाकरा दि जाएँ जे रही जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह नेतृत्व में शताधिक बीजेपी कर्मी आज उपस्थित होती मुख्य प्रसंग जहाँ रही प्रधानमंत्री आवास योजन केन्द्र सरकार पाखापाखी 26 लक्ष ऊर्ध घर ओडिशा को देखते किंतु ओडिशा रे प्रकृत हिताधिकारी को एबे जाए घर मिल पारिना प्रकृत अनेक हिताधिकारी एबे भी पाल तले पलथिन तले रोचे जो मैंने अजोग्य जो मैंने अलरेडी घर अच्छी से बारंबार घर दि जाऊँगी एकाधिक घर दिखाई एमती अभोग पूर्व आसी आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नाप चेषा करवा अच्छा अनेक नेता ठार उपस्थित अच्छा जिला बीजेपी आम प्रतिक्रिया ना तबे जहाँ पूर्वरु अभियोग बीजेपी करी जे पाखापाखी एक जदि आम 20,000 टंका प्रति घर हिसाब से देखा तबे पाखापाखी 1 लक्ष घर से दुर्नीति घर जोगाइवा क्षेत्र में तेणु या हिसाब कर बीजेपी अभियोग कर पाखापाखि 1000 कोटी टंकार दुर्नीति आहरी दुर्नीति बीजेपी सन्देह रही
तबे एने आम प्रतिक्रिया ना दिलीप मल्लिक उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया ना कौन कहते राज्यव्यापी विभिन्न परवर्ती समय प्रतिक्रिया ना मु दृश्य देखा चाहिए केते संख्यार एठी बीजेपी कर्मी उपस्थित अच्छा आपण गत कालीर जो दृश्य देखी से ही अनुमान करें जे बीजेपी पक्षर ये जो अभियोग रही कारण प्रधानमंत्री स्वप्न देखिंट 2022 सुधा समस्त मुंड उपर पक्का घर कर स्वप्न प्रधानमंत्री देखिंट किंतु ताशार केण हो पार से गोटे प्रकार सन्देह सृष्टि आसतु आम प्रतिक्रिया ना मुझे कैमेरा पर्सन प्रदीप कह से आम जीवा सीधा साल बाबू सिंह रही भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति प्रतिक्रिया ना आज कौन कहे ये प्रतिवाद ये आपणकर अभियोग रही लंबा तालिका रही अभियोग पीसी निया जाउछि घर बंटन क्षेत्र रे तापरे परे अयोग्य हिताधिकारी को दिया जाउछि दलियों भितर बंटन करा जाउछि एवं पाखापाखि समुदाय में देखिबा जदि हजार कोटी रु ऊर्ध टंगार दुर्नीति हितवा नै कि अभियोग आनचोति आपणकर एही प्रतिवाद आगामी पदक्षेप कोन रहिबो एवं आजि मुख्य दाबी आपण कोन निश्चित भाव आपण देखंतु जो स्वप्न देखिथिले प्रधानमंत्री 2022 सुद्धा सबु गरीब लोकंक मुंडरे छात रहिबो किंतु से स्वप्न को एठार राज्य सरकार नवीन पटनायक सरकार चूरमार करिचंती 28 लक्ष रु ऊर्ध घर आसी ओडिशा को 28 लक्ष रु ऊर्ध घर गरीब लोक मानंक पई आसी किंतु एठारे थिबा सरकार गरीब लोक न दे सीधा सड़क भाव में विजु जनता दल कर्मी मानंक बांटी जो मानकर दोतला घर अच्छी सीधा सड़क भाव सरपंच एवं ब्लॉक चेयरमैन आधे संप्रुक्त एवं बहु घटना आधे बहु उदाहरण अच्छी पूरा सरजमीन तर्जमा कला बेलू विरोधी दल नेता जाते 28,000 रु ऊर्ध घर 98,000 रु ऊर्ध घर उपरे संपूर्ण लूट हो तार आनुमानिक मूल्य 1,000 कोटी रु ऊर्ध हम 1,000 कोटी रु ऊर्ध टंकार दुर्नीति राज्य सरकार करिछि एवं केंद्र सरकार को सीधा सड़क निज पॉकेट को नहींचंती या विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी आज राज रास्ता को लेछि एवं राज्यपाल उद्देश्य रे बीडीए को जरिया रे राज्यपाल उद्देश्य रे आज चिट्ठी दिया होउछि जदि गरीब लोक पेट को मारी तांको मुंड ऊपर थिबा छातक को एमाने निज पॉकेट को नहींचंती या को जदि ठीक भाबरे समाधान करा न जाय आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी ए आंदोलन को आहुरी तीव्रतर करिब अंतर्भुक्त न बीजेपी ऋण हुंकार जारी रहिबो प्रतिवाद जारी रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपणकर तमाम सूचना गाँ रास्ता बिवाद को नहीं 57 नंबर जातीय राजपथ अवरोध नयागढ़ गुड़ुपांगी और सतरखंड गाँ को नहीं पुणी तेजिला आंदोलन नयागढ़ सदर थाना गुड़ुपांगी और सतरखंड मौजा मध्य लगी दीर्घ दिन बिवाद आज पुणी उग्र रूप नहीं प्रशासन और शांति कमिटी पक्ष बारंबार आलोचना विफल होगापर पुणी जातीय राजपथ को ओह्लाई सतरखंड मौजार अधिवासी खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ को सिमिली साहिठारे अवरोध कर सतरखंड मौजा को यही रास्ता जावाक गुड़ुपांगी ग्रामवासी रास्तापाई सरकारी जगह छाड़ नहीं सतरखंड मौजा अधिवासी अभियोग कर आसुले यार प्रतिवाद में पूर्व रास्तारोक कर तेज शांति कमिटी और जिला प्रशासन पक्ष बारंबार सभा करपत्ति उद्यम होता बेले कौन स्थायी समाधान हो पार नाला आज पुणि सतरखंड मौजा अधिवासी जातीय राजपथ अवरोध कर फल जातायात संपूर्ण बंद होगा शह शह जानवाहन रास्त अटकी रही खंड गाँव रोटे दाबी आम बलभद्रपुर डीपामल रास्ता से मैंने अवरोध कर ग्राम सड़क योजन प्रधानमंत्री सड़क योजन 4 कोटी टाइम चंचकता से रोड करम रोड कंटा बोजा होमर आदिवासी 5 खंड जेनाल गाँ 12 खंड मोट 17 खंड गाँव रोक जीवन जीवन जीविका हर सारे एवं शह शह एकर जमी पड़िया पड़ी तेणु ता प्रतिवाद सरकार निष्क्रियता प्रशासन निष्क्रियता जो आम ये राजरास्ता को आज ओ तेज संपर्क में अधिक सूचना सहित जोड़ी होती फोन लाइन आम प्रतिनिधि शिवराम जोड़ी होती शिवराम वास्तविक रास्ता रोक कारण कौन एवं जहाँ अभियोग आसूची जे रास्ता निर्माण हो पार ना कहीं त्रुटि कौटी रही असुविधा कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ରହିଛି ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନାର ଗୁରୁପାଙ୍ଗି ଗାଁ ଏବଂ ସତରଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବଂ ଗୁରୁପାଙ୍ଗି ବନାମ ସତରଖଣ୍ଡ ଗାଁଙ୍କ ଲୋକ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଗାଁର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରି ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତେଣୁ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ମାନେ ନେଇକି ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ହୁଏତ ସେଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସତରଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଧନୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1000 ରୁ 2000 ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ସତରଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ମୌଜାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 57 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବରାମ ଅତି ବିଡମ୍ବନାର କଥା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପୁରା ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆସିବା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ରୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 57 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ 5 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 4 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4 କୋରାପୁଟରୁ 2 ଅନୁଗୁଳରୁ 3 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 2542 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1458 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି 1084 ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 428 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 424 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 221 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 167 ପୁରୀରୁ 150 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସାଧାରଣ ଭାବରେ 3 ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ 3 ମାସିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଡେଥ୍କୁ ଲୁଚାଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତେବେ ସେ କେଉଁ କାରଣ ମରିଛି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଲହରର 3 ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁ ଆମ ତୃତୀୟ ଲହରର 3 ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା ସେଇଟା ଆମ 3 ମାସିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରେଡ଼ି କରିବା ଯେଉଁଟାକି କାଲି କହିଛନ୍ତି ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି ଟ୍ରିଟିଂ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ତା ଭିତରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଶିଶୁ ବା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆଉ 45,892 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 817 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜିର 817 ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,05,028କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,09,557 ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,60,704 ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 2,98,43,825 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରୀଙ୍କ ମା ସୌଦାମିନୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଟ୍ରକ୍ ଆଜି ସକାଳେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଗୋଶାଳା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଟ୍ରକ୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେୟାରହାଉସ୍ କର୍ପୋରେସନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳୀନ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ପୈତୃକ ଘର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ର 2 ନବନିର୍ମିତ କୋଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2009 ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।